अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज जो है वो गोला कबाब बनाने के लिए जा रहे हैं ज़बरदस्त। उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा भाई टेक्निकल चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। बेसिकली मेरा प्लान है कीमा निकालने का, ये मेरे पास एक मशीन पड़ी हुई है, मैनुअल है, हाथ से जो घुमा के कीमा निकालते हैं। तो मैं इसको चाह रहा हूँ मशीन के ज़रिए इसको रोटेट करूँ ताकि एफर्ट कम से कम लगे। तो इसके लिए भाई मेरे पास ये ड्रिल मशीन है, तो इस ड्रिल मशीन से जो है वो इसको जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे ताकि एफर्ट कम से कम हो। अब मसला ये कि इसकी जो शाफ्ट है ना वो कंपैटिबल नहीं है ड्रिल के चक के साथ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसमें ये नट दिया हुआ है मशीन में, इसको मैं खोल लेता हूँ। ये नट खोला तो ये इसका जो है ये हैंडल ऐसे ये बाहर आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसमें जो है ना एक टेपर टाइप का दिया हुआ है जिसकी वजह से जो है वो इसमें ये ड्रिल चक में नहीं आएगा ये, और ये इसकी डेफिनेटली इसकी शाफ्ट भी जो है वो काफ़ी मोटी है। पहले इसको निकाल लेते हैं फिर इसको देखते हैं भाई क्या ऐसा मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। अभी इनका काम नहीं है, इनको कर देते हैं साइड पर। अब ये जो है ना बेसिकली ये है असल जिसमें हमने मॉडिफिकेशन करनी है। अब इसका जो डाया है ना ये काफ़ी मोटा है, ये ड्रिल का जो चक होता है ना ये तकरीबन 13 mm तक की शाफ्ट को जो है वो पकड़ सकता है। अब इसमें जो है वो मैं इसका ज़रा डाया चेक कर लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से ही पकड़ूँगा तो इसका डाया आ रहा है 20.4 mm, और जो ड्रिल का चक है वो 13 mm तक इसको पकड़ सकता है। तो इसको जो है वो तकरीबन 13 या 12 mm तक मुझे इसको ग्राइंड करना पड़ेगा ताकि ये एक शाफ्ट बन जाए इसकी 12 mm की। और इस तरीके से ग्राइंड करने के ये जो होल है ना ये जिसमें ये नट लगा हुआ था ये डिस्टर्ब ना हो, तो ये आ रही है तकरीबन 8 mm आ रही है। तो अगर मैं 12 mm करूँगा तो आई होप कि मुझे इसमें अच्छा कॉलर मिल जाएगा ताकि ये हमारी अंदर की चूड़ी ख़राब ना हो। चले भाई इसको करते हैं, ज़रा जुगाड़ लगाते हैं, ये अब जुगाड़ वाला ही काम है, और देखते हैं भाई इसमें क्या जुगाड़ लगती है कि हमारा ये जो जो शाफ्ट है 13 mm की बनाना चाह रहे हैं वो आसानी से बने। बेसिकली ये काम लेथ का है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो अपने वर्कशॉप में टूल्स मौजूद हैं मैं उन्हीं के ज़रिए इसको करूँ। तो चले भाई ट्राई करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, अब इसमें मेथड क्या अप्लाई करना है, एक आइडिया जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि भाई ये जो है ना इसकी जो आगे की जो शाफ्ट है इसमें या तो मैं इसको शाफ्ट को पकड़ सकता हूँ इस ड्रिल चक में, या इसमें एक ये फेस दिया हुआ है। तो वैसे फेस तो इस ड्रिल चक में नहीं आएगा, उसकी वजह ये क्योंकि ये इसमें 3 मुँह का जो है वो चक होता है। तो ये जो गोल शाफ्ट है ना इसको मैं इस अपने ड्रिल चक में पकड़ूँगा और इसको मैं लगाऊँगा वाइस पे, ड्रिल को वाइस पे लाके पकड़ लूँगा, फिर मैं इसको रोटेट करूँगा। तो ये जब घूमेगी ना तो फिर मैं इसको ग्राइंडर की मदद से जो है ना यहाँ से इसको ग्राइंड करूँगा, तो ये शाफ्ट ऑटोमेटिकली जो है वो छोटी होती रहेगी। तो भाई इस आईडी को ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अच्छा भाई, पहले मैं इसको ड्रिल चक में पकड़ लेता हूँ। अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ये देखा भाई जिस तरीके से घूम रहा है ना बगैर लपक के, यही काम मुझे चाहिए। इसको मैं ज़रा वाइस में पकड़ लेता हूँ। अच्छा भाई, ग्राइंडिंग डिस्क मैंने इसमें लगाई हुई है ग्राइंडर में, तो इससे जो है वो अब हम काम करेंगे। अच्छा भाई, मुझे लग रहा है ये स्पीड इसकी स्लो है, मुझे फास्ट स्पीड पे ये काम करना पड़ेगा। ये देखें भाई, यहाँ से ये लूज़ हो रहा है, तो उसको मुझे दोबारा चक में टाइट करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। चलो भाई, इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है, अब स्टार्ट करते हैं।
हाँ भाई, फेस बनना तो शुरू हो गया है, ज़रा देखते हैं कितना mm कम हुआ है। ये 16 mm पे आ गया भाई 20 से, तो बहुत क्विकली काम किया है इसने। ये देखो भाई 12.6 आ गया, और इसको ज़रा मैं ड्रिल चक में पकड़ के देखता हूँ। हाँ भाई, आसानी से आ रहा है भाई ड्रिल चक में। तो भाई हमारा ये घिसाई मुकम्मल हो गई है। चलो भाई, ये हो गया है, और ये भाई काफ़ी आउट सेंटर हो गया। देखा भाई, यहाँ पे फासला कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो आउट सेंटर तो हुआ ही है, परफेक्टली नहीं हुआ। अब इसको इंस्टॉल करके देखते हैं भाई ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। अच्छा, मैंने इसको इस तरीके से करा है कि अगर ये वर्क ना भी करे ना, तो पहले वाला जो ऑप्शन है ना हमारा, वो काम करता रहे। तो देखेंगे भाई दोनों ऑप्शन काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं ज़रा इंस्टॉल कर लूँ उसको। ये आ गया भाई। अब इसको ज़रा ड्रिल चक में लगा के देखते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, ये मेथड तो फेल हो गया। ये आप देख सकते हैं भाई, जब मैंने इसको ड्रिल चक में पकड़ के थोड़ा सा घुमाया ना, तो ये यहाँ से जो है वो ये टूट गई, इसकी कॉलर टूट गई, और जो है वो बस ये चूड़ी उड़ी सब ख़त्म हो गई। अब भाई दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि अब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, और इसमें मैं ड्रिल करूँगा 9 mm की, 10 mm का टप चलाऊँगा, और फिर जो है वो मैं इसमें एक बोल्ट जो है वो डालूँगा 10 mm का, और फिर बोल्ट से जो है वो ड्रिल के चक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा खासा अंदर तक होल है इसका। अब तो खैर हमें बिल्कुल सही सेंटर पॉइंट मिला हुआ है, तो आई होप कि ये काम हमारा इंशाल्लाह सही होगा। चलो भाई, ये अब ये इस तरीके से रेडी है, इसको अच्छी तरीके से मैंने टाइट कर दिया है, और अब तो आई थिंक ये बिल्कुल सेंटर में होगा। तो जल्दी फटाफट इसको इंस्टॉल करके टेस्ट करते। ड्रिल में इसको पकड़ के देखता हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल अंदर तक जो है ये टाइट होके पकड़ लिया इसने इसको, और ये बिल्कुल अब भाई बेहतरीन तरीके से घूम रहा है। अब ज़रा इसका प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वो भी तैयार कर लेते हैं। अच्छा भाई, एक मेरे पास ये पौने की पिलाई है, इसमें मैं इसको अटैच कर देता हूँ उस तरीके से, ताकि जब इसको हमें चलाना हो तो कहीं इसको टेबल पे हम क्लैम कर सकें। तो ये 1 inch के ड्राइव वाले स्क्रू हैं, इसकी मदद से मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। चलो भाई, सिस्टम हमारा रेडी है। चलो भाई दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मॉडिफिकेशन हो गई है। अब जल्दी से भाई इसको टेस्ट करना है, और इसको मैं अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लेता हूँ, फिर इससे कीमा निकाल के इसकी टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने क्रॉस कर लिया, ताकि तशला जो है वो यहाँ पे आसानी से आ जाए। चलो भाई दोस्तों, इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
अच्छा पहले मैं इसको स्लो स्पीड पर ही चलाऊंगा ताकि मैं ज़रा देख लूँ कितना ब्रेड रेल लोड बर्दाश्त कर रही है। और पहले थोड़ा कम डालेंगे, इसका चक जो है वो लूज़ हो गया है। अच्छा भाई, मैंने चक को ये पाइप पानी की मदद से टाइट किया है। ठीक है भाई, माशाल्लाह निकलना शुरू हो गया है। और थोड़ा थोड़ा करके डालूँगा मैं, ज़्यादा लोड नहीं दूंगा ड्रिल पे। बेहतरीन भाई, बेहतरीन। अच्छा बोट ये भी मैंने नॉर्मल साइज़ किया हुआ है, जितना साइज़ छोटा होगा उतना अच्छा कीमा निकलेगा, यानी कि मशीन पे जो है वो लोड कम से कम पड़ेगा। भाई माशाल्लाह भाई, बड़ा फटाफट काम हो रहा है, जल्दी जल्दी, ये आप देख सकते हैं, और बग़ैर किसी एफर्ट के काम हो रहा है। फिर जो है वो मैंने बोटियाँ एक साथ ज़्यादा डाली ना, चक लूज़ हो गया भाई। ये चक जो है वो बार बार पानी से टाइट करने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें एक मसला ये है कि ये सेल्फ लॉकिंग चक है, जिसकी वजह से ये हाथ से सही टाइट नहीं होता। जो की लॉकिंग चक होता है ना, वो सही होता है इस काम के लिए, वो सही है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको पानी से अच्छी तरीके से टाइट किया, अब देखते हैं। अब जो है वो मैं बोटियों को ज़रा थोड़ा थोड़ा करके डालूंगा, क्योंकि चक जो है वो सही तरीके से लॉक नहीं हो रहा। बाकी ये मशीन लोड उठा रही है, परफॉर्मेंस ये सही दे रही है, आप देख सकते हैं सही कीमा निकल रहा है बिल्कुल। तो देखिए भाई, चर्बी डाल के देखते हैं। हालांकि चर्बी जो है वो मशीन ज़रा मुश्किल से निकालती है, बट इसने चर्बी को भी आराम से लोड उठा लिया है। चलो भाई, माशाल्लाह हमारा जो है ये मॉडिफिकेशन जो है वो कामयाब रही है, बग़ैर किसी एफर्ट के काम हो रहा है। तो भाई, ये मिंसर मशीन जो है वो हमने ज़बरदस्त तरीके से बना ली है, और बड़ी ज़बरदस्त जुगाड़ करके जो है वो हमने ये अपनी मिंसर मशीन बनाई है बग़ैर किसी एफर्ट के। अच्छा भाई, थोड़ी सी इसकी मैंने स्पीड बढ़ाई है। अब स्पीड बढ़ाने से ये लोड भी जो है वो ज़्यादा आसानी से जो है वो कवर कर रही है। अब देखें, अगर मैं थोड़ा सा तेज़ तेज़ भी डालूं तो ये मशीन जो है वो इसको बर्दाश्त कर रही है, इस लोड को। तो भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मशीन काम कर रही है, और कहीं बिजली विजली की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं बिजली भी नहीं है तो हम ये काम कर सकते हैं एफर्टलेसली। और भाई देखें भाई, तकरीबन 1.5 या 1.5 किलो के करीब गोश्त है, इसने फटाफट जो है वो कीमा निकाल दी है। थोड़ी देर चलने देता हूँ ताकि यहाँ पे जो कीमा रुका हुआ है वो बाहर आ जाए। थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है बाहर। ये इसकी जो है वो फुल स्पीड है, ये मैक्सिमम निकल चुका है, अब नहीं निकल रहा। चलो भाई दोस्तों, आपने देखा क्या ज़बरदस्त तरीके से हमने अपनी मिंसर मशीन बनाई है, यानी कि इसे ज़बरदस्त तरीके से फटाफट जो है तकरीबन 1.25 किलो के या 1.5 किलो के करीब कीमा जो है फटाफट इससे निकाल दी है एफर्टलेसली। भाई कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई हाथ से नहीं घुमाना पड़ा, और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये कि कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है, कहीं तार लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जाएं, और कहीं बिजली नहीं है वहाँ पे भी ले जाएं। कॉर्डलेस ड्रिल के ज़रिए जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो भाई इसने अच्छा खासा लोड उठा लिया है। फर्स्ट जो है वो उसकी टेस्टिंग थी, और इसमें बस एक चीज़ ये कि इसको चक को ज़रा फुल टाइट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इस पर ज़्यादा लोड भी डाल सकता हूँ, कंटिन्यूस लोड भी डाल सकता हूँ। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल रहा है,
और बड़ी ज़बरदस्त हमारी ये जुगाड़ रही है। तो वैसे दोस्तों इस वीडियो में मुझे जो है वो कबाब भी बनाने थे जैसे मैंने इंट्रो में कहा था, बट वीडियो हुई ज़रा लंबी, तो अब इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके जाऊँगा। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे हम इस पर मसाला कैसे लगा रहे हैं और कबाब हमारे कैसे बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का। तो चले भाई दोस्तों इस व्लॉग के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।